रिसेंटली मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी, तो मैंने रास्ते में सबके खाने के लिए बनाया था सूजी और टूटी फ्रूटी का केक, तो जिसका वीडियो मैंने बनाया था और उसी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, 1 कप सूजी से हम केक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सूजी बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से 1 कप ली है। आप कोई भी कटोरी वगैरह चूज़ कर सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। तो सूजी को निकाल लेते हैं एक बर्तन में, और यहाँ पे आप कोई भी सूजी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मोटी पतली रोस्टेड, आप कोई भी ले सकते हैं। तो 1 कप सूजी में मैं डालूँगी आधा कप के करीब चीनी। तो ये बिल्कुल आप मेज़रमेंट के हिसाब से केक बनाएंगे ना, तो देखिए एकदम परफेक्ट केक आपका बनेगा। तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुनगुना दूध। तो अभी मैंने 1 कप लिया है, मेज़रमेंट के हिसाब से दूध भी लेंगे हम, और थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध इसमें डाल रही हूँ। अभी हमें क्या करना है, सूजी को भिगोना है, तो उस हिसाब से मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो एक बार में हम सारा दूध इसमें नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भीग जाए। तो ये देखिए, अब इसको हम मिक्स करते जा रहे हैं साथ में। तो अब हम इसमें दूध नहीं ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम कर लेंगे हमारी आगे की प्रिपरेशन। तो आपके पास कोई भी मोल्ड हो, आप उसमें अपना ये केक बना सकते हैं। मेरे पास ये स्टार शेप का रखा हुआ था, जिससे मैं क्रिसमस भी केक बना लेती हूँ बच्चों के लिए, तो बस आज मैं उसी में बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मेरे पास ना बटर पेपर नहीं था, तो बस मेरे पास ये रोटी रैप करने वाला था, तो बस मैं इसी पेपर को स्टार शेप में कट करके ही यूज़ करूँगी। तो बस ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है, और इसके बाद हम इसको लगा देते हैं हमारे मोल्ड में। तो ये सारी प्रिपरेशन ना हम पहले से कर लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है, और तब तक जो हमारी सूजी है वो भी अच्छे से भीग जाएगी। तो बस इसके बाद, क्योंकि ये बटर पेपर नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ, जिससे कि जो हमारा बैटर है ना वो इसमें चिपक ना जाए। तो ऊपर से डाल के इसको अच्छे से हमने पूरे में स्प्रेड कर देना है ऑयल को, और ये हमारा जो केक बनाने के लिए है ये मोल्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम रख लेते हैं साइड में। यहाँ पे मैंने 3-4 छोटा चम्मच टूटी फूटी लिया है, इसमें मैं 1 छोटा चम्मच आटा डाल के इसको आपस में मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद हम ये टूटी फूटी केक में डालेंगे। इससे टूटी फूटी ना हमारे पूरे केक में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, एक ही जगह नहीं बैठेगा। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं हमारी सूजी को कि ये अच्छे से फूल गई है या नहीं। तो 1 चम्मच की सहायता से मैं इसको चेक कर ले रही हूँ। देखिए, हमारा सूजी जो है बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। और अब हमें क्या करना है कि एक जार ले लेना है और उसमें हमें इसको डाल लेना है। तो मेरा जो मीडियम साइज़ का जार है उसमें कुछ गड़बड़ था, तो मैं ये बड़े वाले जार में ही डाल रही हूँ। तो सारा जो बैटर है हम इस जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं पहले। अब जो ये बचा हुआ दूध है ना, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ये 1/4 वाला कप है, तो हम इसमें डाल देंगे। आप इसमें 1/4 कप के करीब भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर डाला है। इससे क्या है, टेस्ट एंड कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आप देसी ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पीस लेते हैं। मिक्सी के जार का इस्तेमाल करके हम बना रहे हैं, पर आप यकीन मानिए केक बहुत अच्छे से बन जाता है इसकी हेल्प से, और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको चम्मच से चला के दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमारा पेस्ट रेडी हो गया। थोड़ा सा दरदरा रहेगा क्योंकि ये सूजी का है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। पूरा अच्छे से हमें इसको जार से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सूजी केक की रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, बैटर पूरा निकाल लिया है। अभी यहाँ पे मैं इसमें ना दूध ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो बैटर है ना अभी थोड़ा सा थिक है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 3 बड़ा चम्मच दूध लिया है, और मैंने इसमें ये पूरा ही ऐड कर दिया था। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला था कि जिससे मैं एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में बनाऊँ। और साथ ही इसको हम ऐसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे चम्मच की सहायता से, फॉक या किसी भी चीज़ से आपस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी ये जो हमारा बैटर है बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारा टूटी फूटी। तो आप चाहे तो इसको छान करके आटा अलग करके ऐड कर सकते हैं। मैं इसको बस ऊपर ऊपर से निकाल करके इसमें डाल दिया था।
और टूटी फूटी डाल के हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है ना, आप एक बार बना करके देखेंगे ना तो आप फिर बाहर से नहीं लाएंगे। ये इस तरीके के जो केक्स मिलते हैं ये बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब जिसको नहीं भी आता है ना वो भी इसको बहुत ही इजीली बना सकता है। तो चलिए टूटी फ्रूटी ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। तो एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बिल्कुल क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा जिससे हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बनेगा। साथ ही मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे नींबू की 3-4 ड्रॉप डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें कुछ भी और खट्टा ऐड नहीं किया है, तो इससे ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बस एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है। तो बस फटाफट से हमको इसको चला लेना है और इसके बाद हमें इसको हमारा जो जिस भी बर्तन में हम बना रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो मैं अपना जो हमारा स्टार शेप का मोल्ड है उसमें इस बैटर को ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है वो कितना अच्छे से फूल भी गया है। तो बस इसमें हम डालकर थोड़ा सा इसको ऐसे टैप टैप कर देंगे जिससे जो हमारा बैटर अच्छे से पूरे में स्प्रेड हो जाए। साथ ही ऊपर से इसमें मैं रेड और ग्रीन कलर की जो हमारी टूटी फ्रूटी है वो भी डाल दूँगी, इससे हमारा केक और ब्यूटीफुल भी लगेगा बाहर से और टेस्टी भी लगेगा। तो बस चलिए अब इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। कढ़ाई के बेस पे मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक, ऊपर से रख दिया मैंने एक स्टैंड और उसमें अब हम रख देते हैं हमारा ये स्टार शेप का टिन और इसको ढक देंगे। और मैंने इसको करीब 30 मिनट के लिए पकाया था। तो टाइमिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप किस बर्तन में बना रहे हैं, जो छोटा है या बड़ा है। तो देखिए 30 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था तो टूथ पिक मैंने इसमें बिल्कुल सेंटर में डाल के चेक किया था और वो बिल्कुल क्लीन आई थी। तो फिर मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाया था। अगर आप मोल्ड कुछ बड़ा है या फिर आप किसी और बर्तन में पकाते हैं तो आप टाइमिंग उस हिसाब से चेक करके ज़रूर बनाएगा। तो अभी मैंने इसको निकाल के ढक कर के रख दिया था थोड़ी देर के लिए जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और अब मैं इसको इस प्लेट में निकाल ले रही, तो बस पीछे हल्का सा मैंने इसको ऐसे थपथपा दिया था और ये बहुत ही आसानी से हमारा निकल आया था। तो ये देखिए निकल आया हमारा केक। तो पहले मैंने इसका ये जो पेपर मैंने पीछे से लगाया था ना उसको निकाल दिया था, वो कहीं कहीं पे केक में थोड़ा सा चिपक गया था। तो बस मैं इसको पहले हटा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको केक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बैक साइड से भी कितना अच्छे से बेक हुआ है और कितना ज़्यादा फूला और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। तो ये क्योंकि ठंडा हो चुका है तो चलिए अभी मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा, केक को कट करने के लिए ना हमेशा दांत वाला चाकू इस्तेमाल करिएगा, इससे क्या है ये बहुत ही अच्छे से कट जाता है। तो देखिए ये देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। और चलिए अब मैं इसको पीसेस में भी काट लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से मोटे मोटे से पीस कट कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा केक है कितना परफेक्ट और कितना जालीदार बना है। और इसका स्पॉन्ज आपको मैं अभी दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी ये केक बनता है। और एक बार आप सूजी का ये केक बनाएंगे ना तो इसके बाद आप मैदे का केक बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पे हमारा जो केक है कितना स्पॉन्जी बना है, साथ ही जो हमारी टूटी फूटी है पूरे केक में कितने अच्छे से स्प्रेड हुई है। तो ये जो केक है ना, मतलब आप इसको 8 से 10 दिन फ्रिज में रख के खा सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं और बच्चों को कभी भी खाने के लिए दे सकते हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत लोगों को चाय के साथ या होता है ना कि पानी पीने जा रहे कुछ मीठा खाना है, तो आप बिल्कुल इस केक को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो बस मैंने यहाँ पर फटाफट से जो हमारी केक है उसको पूरा ही कट कर लिया था पीसेस में। और देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी हमारी केक फैल नहीं रही, मतलब देखने में लग ही नहीं रही कि सूजी का केक है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सर्विंग प्लेट में निकाल करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने हमारी केक को निकाल दिया है एक प्लेट में और देखिए कितनी अच्छी केक बनी है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए और साथ ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।